गुड मॉर्निंग सो टूडे विल स्टार्ट विद द एस एज सेक्शन दिस बुक लाइफ अनफोल्डेड और दो एस एज है आपका एक गांधी जी से है और एक टैगोर से है सो टुडे विल टेकअप एट द हिमालय बाई रबींद्राथ टेगोर रबींद्राथ टैगोर को आप जानते हैं ही वॉज बॉर्न इन एटीन सिक्सटी वन डाइड इन नाइनटीन फोटी वन पोइट नावलिस प्ले राइट पेंटर कंपोजर तो ये म्यूजिक भी बनाते थे लिखते थे पेंटिंग्स करते थे फ़र्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज़ जो कि इन्हें 1913 में मिला गीतांजलि इनकी किताब के लिए जो इन्होंने खुद ही ट्रांसलेट की थी इंग्लिश में और कहीं कही ना कहीं ये दिस बुक वाज यू नो वेरी रेवोल्यूशनरी इन टर्म्स ऑफ ईस्टर्न थॉट जो कि टेगोर uh, अपने पोइटिक तरीके से जो बनाया है इन्होंने और उसे वो वेस्टर्न लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने सो ही इज़ कंसिडर्ड फॉर वेरी ग्रेट फॉर दैट और एकमात्र शायद दुनिया में ऐसे इंसान हैं जिन्होंने दो देशों का नेशनल एंथम बनाया है या राष्ट्रगान बनाया है इंडिया का जनगण मना और बांग्लादेश का अमार शोन बांग्ला और साथ ही साथ जो हमारा नेशनल सॉन्ग है बंकिम का बंदे मातरम उसका भी म्यूज़िक टेगोर ने ही कंपोज किया है और साथ ही इन्होंने शांति निकेतन में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला था इस्टेब्लिश किया था जिसे अब हम विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं आइडिया ये था इनका कि होलिस्टिक एजुकेशन हो बस दिमाग की नहीं शरीर आत्मा की भी एजुकेशन हो और बड़े ही रिलैक्स एटमॉस्फेयर नेचर के बीच में जो शांति निकेतन का एरिया है जंगलों के बीच में तो वैसी एजुकेशन और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज ये जो आपके अभी जो प्रेजेंट ऐसे है विच इज़ बेसिकली एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी माई रेमिनिसेंस मेरी यादें तो इसमें भी एक मेजर पोर्शन और एग्जाम में भी आपका हर बार ये क्वेश्चन आता है कि टेगोर के पिता टेगौर को कैसे एजुकेट करते हैं सो इन दिस फील्ड सी लाइक यू नो ए सैसे में बेसिकली ही इज़ टेगोर इज़ डिस्क्राइबिंग हिज़ ट्रिप टू डलाउजी हिल्स जो कि यहाँ से कुछ एक सौ किलोमीटर दूर है और सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज़ इंट्रैक्शन विद नेचर वेन ही वॉज इलेवन ईयर्स ओल्ड जब ग्यारह साल की उम्र में वो अपने पिता के साथ डलहौजिया हिल्स आए थे और इसी में जो हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में और क्योंकि एक तो टेगोर वॉज नेवर यू नो ऑलो ही केम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली बहुत एक अच्छे परिवार अमीर बंगाली नोबल फैमिली से आते हैं और एजुकेटेड हैं बट ही नेवर गॉट एनी फॉर्मल एजुकेशन यानी वो कभी किसी नॉर्मल जो स्कूल या जो, जो, जो कॉलेज में ज़्यादा नहीं टिके गए नहीं मोस्ट ऑफ हिज एजुकेशन वॉज डन एट होम खुद ही पढ़ाया गया था एट नो सेल्फ जो होम स्कूलिंग कहते हैं जिसे तो ऐसे में हम देखते हैं क्या है दिस इंपॉटेंट क्वेश्चन कि टैगोर अपने बच्चे टैगोर के पिता अपने बच्चे को कैसे एजुकेट करते हैं सो so कई चीज़ें हैं जैसे पहली बात तो आपको वे ऑल स्टडीड अबाउट द सोलर सिस्टम एंड द स्टार्स लेकिन मोस्ट लाइकली शायद हमने ये किसी क्लासरूम में बैठ के दिन को पढ़ाया है किसी किताब में देखते हुए सो वेरी सिंपल थिंग्स लाइक अनुभव बहुत ज़रूरी है जिस टैगोर के पिता के अनुसार सो वॉट ही वुड डू इज़ जब वो टैगोर को रबिंद्र को स्टार्स या फिर प्लान्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं वो उन्हें बाहर यानी एक्चुअल में अंधेरे में उन्हें तारे दिखाते हुए ये सब बताते थे सो सिंपल थिंग्स लाइक दिस यू नो और वैसे ही वो टेगोर हालांकि बस 11 साल का था रबिंद्राथ उस समय लेकिन उनके पिता उन्हें जंगलों में घूमने देते थे इधर और हालांकि यू नो ये याद रखिए प्लेन्स का बच्चा है ये कैलकटा का बच्चा है बंगाली बच्चा है लेकिन उसे वो इधर उधर भागने देते थे अकेले जंगलों में डल के एंड ये इनकरेज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड ये जो उस माइंड की इंडिपेंडेंस सोचने की एक फ्रीडम किस तरह से सोचना चाहिए अपने लिए वो सब वो चाहते थे कि इनके बच्चे में cultivate हो और वो खुद ही अपने choices ले पाएँ और स्टैंड लें जो जिन चीज़ों पे वो विश्वास करते हैं क्योंकि टेगोर के पिता का मानना था कि अनुभव लर वन शुड लर्न फ्राम एक्सपीरियंस क्योंकि आप किताबी ज्ञान है जो थ्योरी है आप बहुत कुछ बच्चों को रटा सकते हो लेकिन जो चीज़ अनुभव से आती है वो असली ज्ञान है और परमानेंट एक तरह से लंबा बैठेगा वो और इसके चलते इसीलिए फादर वाज नेवर कंसर्न्ड अबाउट हिम मेकिंग मिस्टेक्स उन्हें ये ज़्यादा टेंशन नहीं थी कि उनका लड़का कुछ गलती करे या फिर दुख में झेले बोलते ठीक है यही एजुकेशन है ऐसे ही सीखते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात शायद ये है कि टेगोर को ज़्यादा समझाने बुझाने लेक्चर देने से अच्छा है हिज आइडिया वॉज टू यू नो बी एन एग्जाम्पल जिसे उनका लड़का अपने आप फॉलो करने लग जाए जो भी वो चाहते थे टेगोर रबींद्रनाथ उनका लड़का बने वो उसके पिता खुद ही अपने जीवन में ऑलरेडी करते थे सो ही वॉज लाइक यू नो अ शाइनिंग एग्जाम्पल सो इंस्टेड ऑफ थ्योरीज और या फिर ज़बरदस्ती के अनुशासन की जगह वो चाहते थे कि उनका लड़का खुद ही चीज़ें सीखें जो कि शायद रियल एजुकेशन है सो नाओ लेट्स मूव ऑन टू दी एस एट द हिमालय पेज फोर सो so, फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि ये लोग कुछ एक महीने से अमृतसर में थे आ, पंजाब में और फिर अप्रैल में डलहौजी हिल्स के लिए निकल चले ऑर्टेगोर और और अब उस समय 11 बस साल का है और वो डिस्क्राइब कर रहा है कि उसे लग रहा था समय खत्म ही नहीं होगा कि वो पहाड़ कब यू नो द टेरेस्ट साइड्स टेरेस्ट टेरेस नॉर्मली आप किसको बोलते हैं छत को या फिर जो आंगन टाइप का एरिया होता है आपका लेकिन टेरिस्ट हिल साइड जो सीढ़ी सीढ़ी टाइप की हम जो सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं पहाड़ों में दैट्स कॉल्ड टेरिस्ट हिल साइड एंड वी वेंट अप इन अ झम्पन झम्पन एक पालकी सो अगेन लाइक आई टोल्ड यू ही कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली अरिस्टोक्रेटिक फैमिली तो उन्हें क्या है उनके कई नौकर हैं हेल्पर्स हैं वो उन्हें पालकी में ले जा रहे हैं पहाड़ों में घुमाने के लिए ठीक एंड द हिल साइड्स और अ फ्लेम विद्यूटी ऑफ द फ्लावरिंग स्प्रिंग क्रॉप अप्रैल का टाइम है इन्होंने बताया तो स्प्रिंग uh, बसंत के क्रॉप्स हर जगह दिख रहे हैं इन्हें तो हर uh, दिन ये लोग अपनी ट्रिप कैसे करते हैं रे स्टार्ट विद ब्रेड एंड मिल्क रोटी और दूध पीते हैं एंड बिफोर सनसेट टेक शेल्टर फॉर द नाइट इन द नेक्स्ट स्टेजिंग बंगलो स्टेजिंग बंगलो वही डार्क बंगलो जो सरकारी रेस्ट हाउसेज बह होते हैं और तो सुबह ये शुरू करते हैं और वैसे हर रात बिल्कुल सनसेट शाम को uh, सूरज ढलने के पहले वो कहीं किसी डाक बंगले में रुक जाते हैं तो ऐसा इनका ट्रिप चल रहा है अमृतसर ही अब अमृतसर से फाइनली डलहौजी पहुंच चुके हैं माई आईज हैड नो रेस्ट लिव लॉन्ग डे so great was my fear lest anything should escape them तो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैसेज है एक बच्चा आपको बता रहा है कि उन्हें इसकी इन वो इतने एक्साइटेड थे देखिए बंगाल से प्लेन से कोई आ रहा है उनके लिए पहाड़ जैसे हम लोगों को आदत हो चुकी है कि पहाड़ है जंगल है ठीक है झरना है बट जो लोग जैसे प्लेन से आ रहे हैं या शहरों से आ रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत नायाब है बहुत वैल्यूबल है क्योंकि उन्हें मिलती नहीं अपने आसपास सो ही इज़ डिस्क्राइबिंग कि उनकी आंखें थकती नहीं थी पूरा दिन और उन्हें एक डर था कि कहीं वो कुछ छूट ना जाए उनकी आंखों से कि जो नेचर के प्रकृति के नजारे हैं और फिर एक बड़ी पोइटिक्स इमेज देते है कि जहां पे भी कहीं जैसे एक किसी खाई से कहीं एक छोटा सा झरना निकल रहा है किसी मोड़ पे तो वो ऐसा है कि जैसे एक छोटी सी क्या है लड़की बच्ची एक किसी जो पुराने जो पहाड़ के पहाड़ में जो पेड़ है तो पेड़ों को वो कह रहा है फीट ऑफ होरी सेजेस तो कि किसी तरह वो क्या है पेड़ को वो साधुओं पुराने साधुओं से कंपैरिजन कर रहे हैं टेगोर और, और कह रहे हैं कि जो वहाँ से एक झरना निकल रहा है वो एक छोटी सी उनकी बेटी की तरह है जो कि उन साधुओं जो साधु जो लोग जो मेडिटेशन में बैठे हैं जो पेड़ मेडिटेशन में बैठे उनकी बेटी जो झरना है वो वहाँ से चल रही है यहाँ पे वो चाह फिर जंपन वालों को रुकवाते थे रेस्ट लेते थे और हमेशा टेगोर को लगता था ऐसी जगहें हम क्यों छोड़ देते हैं उनका दिल तो चाहता था कि वो ऐसी जो, जो वाटर फॉल्स के पास में जीवन भर के लिए बैठ जाएँ फिर देन ही कम्स तो विद अप नेक्स्ट पैराग्राफ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया दिस द ग्रेट एडवांटेज ऑफ द फर्स्ट विजन जब पहली बार आप किसी कुछ चीज़ को देख रहे होते हैं द माइंड इज देन अवेयर दैट देर आर मेनी मोर सच टू कम तब दिमाग को नहीं पता है कि आगे भी ऐसे कई नज़ारे और आएंगे तब दिमाग को लगता है कि यही एकमात्र है और इसे पूरी अच्छी तरह से देख लें एब्जॉर्ब कर लें सो so, बोलने का मतलब यह है कि चपटेगौर इन जंगलों से इन्होंने शुरुआत की तो शुरू में उन्हें लगता था कि एक एक चीज़ वो एब्जॉर्ब करना चाहते हैं उन्हें डर था कहीं कुछ मिस ना हो जाए द फर्स्ट विजन यू नो धीरे धीरे फिर आदत पड़ जाती है जैसे हम वही हम बात कर रहे हैं अब हम लोग ज़्यादा पहाड़ झरनों की तरफ देखते नहीं क्योंकि हम आप लोग जैसे हम बचपन से यहाँ हैं पैदा हुए हैं सो वी आर यूज टू इट क्योंकि ये कह रहे हैं जब पता लग जाता है द कैलकुलेटिंग ऑर्गन ब्रेन को जब पता लग जाता है कि ऐसे कई और नज़ारे आएंगे देन द ब्रेन ट्राइज टू मेक अ सेविंग इन इट्स एक्सपेंडिचर ऑफ अटेंशन तब जो अटेंशन है ध्यान देने की जो क्षमता है उस पर क्या है हम थोड़ी बचत करने लग जाते हैं कि हाँ हाँ अभी तो और कई नजारे आएंगे तब और अच्छे से देख लेंगे बट जब पहली बार आप देखते हैं आपको एक डर होता है कि कुछ मिस हो जाए और सब कुछ आप नए तरीके से देख रहे हैं इसीलिए टेगोर कहते हैं कि जब वो कलकत्ता में घूमते हैं तो वो कभी कभार अपने आप को कल्पना करते हैं कि वो कोई फॉरनर हैं क्यों क्योंकि उन्हें लगता है कि तभी वो अपना पूरा ध्यान दे पाते हैं उन गलियों को और उसी के चलते इतना कुछ वो नया देखते हैं जो कि नॉर्मली वो जिन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते जैसा कि बहुत जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई टूरिस्ट आते हैं भरमौर में वो चौरासी मंदिर या फिर इधर उधर जगहों को देखते हैं लोगों को देखते हैं तो जो चीज़ें वो शायद देख पाएंगे अपने नज़रिए से उनके लिए सब कुछ नया है ऐसी कई चीज़ें होंगी जो हम नॉर्मली हम उनके बारे में सोचते ही ना हों यू नो फॉर इंस्टेंस जो हमारा सचुई नाला है यहाँ पे पूरा कूड़ा भरा रहता है हम लोग उसके बारे में शायद ज़्यादा सोचते नहीं रोज़ चलते हैं वहाँ से कूड़ा भी फेंक देते हैं कई लोग ज़्यादातर लोग इनफैक्ट बट कोई नया बाहर से आता है उसके लिए एकदम अचंबा हो जाता है इतना सुंदर ये वाटरफॉल है और इसमें कूड़ा भर रखा है यू नो सो थिंग्स लाइक दैट है न और टैगोर का मानना है कि यही जो एक भूख होती है हंगर होती है कुछ नया देखने की यही लोगों को क्या है घुमक्कड़ बना देता है मेक्स देम ट्रैवल टू स्ट्रेंज प्लेसेस अब आता है थोड़ा इनके फादर और टेगोर के रिश्ते के बीच में और खासकर डेट एजुकेशन पॉइंट डेट वी टॉक्ड अबाउट तो जो इनका पिता का जो एक कैश बॉक्स था जिसमें वो अपना पैसा रखते थे ट्रिप में कहाँ कहाँ खर्चा होना और जिसमें क्या है काफ़ी कंसिडरेबल सम थे यानी ऐसा नहीं था कि कम पैसा काफ़ी पैसा था दे कम फ्रॉम गुड फैमिली अगैन तो ये कहते हैं कि ये कैश बॉक्स इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू द हैंड्स ऑफ किशोरी द अटेंडेंट जो इनका जो एक हेल्पर है किशोरी पिता उसको नहीं देते थे ये अपने लड़के को दे के रखते थे ये कैश बॉक्स ताकि उससे क्या है वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखे और एक दिन ये कहीं डाक बंगलों में इन्होंने ऐसी टेबल पे छोड़ दिया था रविंद्रनाथ ने अपना ये जो कैश बॉक्स और इसके लिए इन्हें रेप्रिमांड मिली यानी डांट लगी तो आप देख रहे हैं 11 साल को के बच्चे को वो पूरा अपना जो कैश बॉक्स पकड़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग एक होता है कि आप लेक्चर दो बच्चों को कि हाँ पैसे की कीमत समझो ये सब कर रहा, सीखो सीखो ये करो वो करो तो अक्सर उसमें क्या होता है एक कान से जा रहा है दूसरे से निकल जाता है बट ये इनको डायरेक्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ये लो पैसा पकड़ो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है सो वेरी प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंशियल अनुभव वाली ट्रेनिंग है ये ठीक इंस्टेड ऑफ जस्ट थ्योरी और फिर हम ये जो तारों की बात करते हैं कि जैसे जब भी हर रात जब भी ये लोग कहीं डाक बंगलों में रुकते थे तो इनके पिताजी कुछ कुर्सियाँ लगाते थे वहाँ कहीं वराने में और फिर इन्हें अलग अलग कॉन्स्टलेशन जो पाइसीज कैंसर स्कॉर्पियो राशियाँ जो हम बोलते हैं तारों के जो शेप्स हैं वो सब इन्हें बताते थे और एस्ट्रॉनी के बारे में समझाते थे अब आते हैं बकरोटा वहीं डलहौजी हिल्स में बकरोटा है जहाँ पे हाइएस्ट हिल टॉप डलौजी हिल्स का जो हाईएस्ट हिल है वहाँ पे एक बकरोटा जो जगह है तो वहाँ पे ये लोग रुके थे इट वाज नियरिंग मे मे आने वाला था लेकिन फिर भी बहुत गर ठंड है ऑब्वियसली <laughs> जैसे या yeah, होता ही है जैसे मनाली बरे में लोग मजाक करते हैं कि बंगाली टूरिस्ट स्पेशली आप दूर से पहचान सकते हो खोज वो एकदम बिल्कुल तीन तीन स्वेटर डाला होगा मंकी कैप डाला होगा जो so ऑब्वियसली कोई उस मौसम से आ रहा है तो उन्हें ज़्यादा ठंड लगेगी ही बट ये कह रहे हैं क्योंकि इतने हाइट पे थे तो जो शेडी साइड ऑफ द हिल अब क्या है एक साइड जैसे हमारे सामने जो पहाड़ है वहाँ पे धूप आती है हमारे साइड में धूप जल्दी चले जाती है तो ये कह रहे जो पहाड़ का जो शेडी साइड है वहाँ पे तो अभी भी क्या है विंटर फ्रॉस्ट अभी तक थोड़ी बर्फ जमी हुई थी तो या शायद वाकई ठंड थी इतनी हाइट में थे ये लोग बकरोटा माई फादर वॉज नॉट एट ऑल नर्वस अबाउट अलाउिंग मी टू वांडर अबाउट फ्रीली इवन हेयर यहाँ पे भी लेकिन इनके पिता को कोई चिंता नहीं थी वो अपने लड़के को फ्रीली इधर उधर घूमने देते थे और इन जहाँ पे ये रुके थे जिस घर पे जिस बंगले पे उसके कुछ ही नीचे क्या है एक देवदार के पेड़ों का एक बिल्कुल जंगल सा था और इन्हीं जंगलों में ये रविंद्रनाथ अपना एक आयरन स्पाइक स्टाफ एक छड़ी स्टाफ एक तो होता है ना फैकल्टी वाला टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ दूसरा स्टाफ एक छड़ी टाइप की जो आप चलने के लिए लेते हैं आयरन स्पाइक यानी उस छड़ी के एक तरफ एक लोहे का कुछ एक कील सा बना हुआ है जिससे वो चलते हुए जाते हैं और इन पेड़ों के बारे में अब ये बात कर रहे हैं कि इन जो लॉर्डली फॉरेस्ट देवदार एक तो नाम में ही देव है है ना तो एंड यू हैव सीन द ट्रीज आपको कुछ जानने बताने की कोई जरूरत नहीं है ह्यूज शैडोज टावरिंग देर लाइक सो मेनी जॉन्ट्स वॉट इमेंस लाइफ लिव टू देंचुरीज एक एक जो देवदार का पेड़ है पता नहीं कितने सदियों से वहाँ है और शांत खड़े हैं लाइक जाएं और बस अब ये जो क्या है कल का जो ये लड़का है बॉय ऑफ ओनली द अदर डे अब उनके बीच में आराम से अनचैलेंज इधर उधर अपनी मनमानी कर रहा है चल रहा है बट फिर भी टैगोर कहते हैं उन्हें हमेशा एक प्रेजेंस का अनुभव होता था उन्हें एक कुछ अनुभव होता था क्या जी अब भी वो जैसे ही उन पेड़ों की छाव में आ जाते थे एज ऑफ द सॉलिड कूलनेस ऑफ सम ओल्ड वर्ल्ड सॉरियन उन्हें लगता था कि वो किसी पुराने सदी के जो कुछ ओल्ड वर्ल्ड सौरन डाइनोसॉर जैसे एक प्राणी के समीप खड़े हैं जो कि उन्हें क्या एंड द चेकर्ड लाइट एंड शेड ऑन द लीफी मोल्ड सीम्ड लाइक इट स्केल्स अब जो देवदार के पेड़ों में जो ग्रीन कलर का जो एक जो घास सी मोल्ड उग जाती है उस पर क्या बोल रहे हैं कि चेकर्ड लाइट एंड शेड धूप घिर रही है और बीच में चेकर्ड है जब आपने देखा ही होगा बीच में पत्ते वत्ते होते हैं तो धूप क्या है कहीं धूप कहीं छाँव पत्तों के बीच में से आ रही होती है एक चेक सा शेप बन जाता है तो इनमें क्या है उसे डायनासोर के जो स्केल्स होते हैं जैसे छिपकली के भी होते हैं ना स्केल्स बोलते हैं उन्हें खाल सी तो उन्हें लगता था तो वो ये बच्चा है कल्पना कर रहा है उसे लगता था एक एक पेड़ क्या है कोई एक बड़ा सा है वो वो जो है और जो उनके जो ट्रंक जो उनके तने पे जो मोल्ड पे लाइट और शेड आ रही है वो उस डायनासोर के क्या है खाल है तो ये सब ठीक है बच्चा है घूम रहा है माई रूम वॉज एट वन एंड ऑफ द हाउस एंड लाइंग ऑन माई बेड आई कुड सी थ्रू द अनकर्टेड विंडोज और अपने बेस्तर पे लेटे लेटे रविंद्रनाथ क्या है जब अपने पर्दे हटा देते थे खिड़कियों से इन्हें दूर की स्नोई पीक्स जो चोटियां हैं स्नोई चोटियां हैं वो इन्हें स्टारलाइट में अंधेरे में भी चमकती नजर आती थी कभी कभार एट वॉट आर आई कुड नॉट मेक आउट अभी रात में है इन्हें कुछ पता नहीं है क्या टाइम हो रहा है और ये कुछ क्या है हाफ अवेक निंद, अर्ध नि अर्ध निंद्रा में है तब लेकिन इन्हें अपने पिता दिखते थे एक लाल शॉल में और एक दिया लिए हुए बाहर चुपचाप वराना में खड़े हैं और अपनी प्रार्थना कर रहे हैं तो शायद तीन चार बजे का समय होगा अंधेरा है अभी भी लेकिन टेगोर रविंद्रनाथ क्या है वापिस नींद कर लेते थे और फिर जब उठते और फाइनली क्या है उनके पिता अगली बार उनके बगल में खड़े होते थे और उन्हें धक्का देते उठा रहे होते थे कि भाई रात ख़त्म हो गई उठो बेसिकली डॉन टाइम जब अंधेरा थोड़ा बस खत्म हो गया है उजाला आ रहा है धूप निकली नहीं है सन अभी निकला नहीं है लेकिन अंधेरा हट चुका है इस समय क्या है संस्कृत डिक्लेंशन रविंद्रनाथ को याद करने पड़ते थे और वही बचपना इसमें दिख रहा है वॉट एन एक्सक्रूशिएटिंगली विंट्री अवेकनिंग फ्रॉम द करेसिंग वॉम्थ ऑफ माई ब्लैंकेट्स क्रेसिंग वॉम्थ बिल्कुल ऐसे प्यार से जो एक जो गर्माहट है इनके कम्बलों की क्या ही एक, एक दर्द भरा एक विंटरी अवेकनिंग एकदम सर्दियों में आप जानते हैं कितना मुश्किल होता है रजाई छोड़ के उठना लेकिन टैगोर के पिता इन्हें कब उठाते हैं बिल्कुल भोर पे और वो भी क्या करने के लिए संस्कृत श्लोक याद करने के लिए फिर बाय द टाइम द सन रोज़ पिताजी और ये क्या है तब तक उनकी प्रार्थनाएँ ख़त्म हो जाती थी और दोनों अपना दूध पीते थे और फिर क्या है ये एक बार फिर इनके पिताजी वापिस प्रार्थना में लग जाते थे इस बार उपनिषद की मंत्र जपते हुए और फिर ये लोग वॉक पे जाते थे हाउ शुड आई कीप पेस विद मैनी एन ओल्ड पर्सन कुड नॉट तो पेरेंट के पिताजी काफ़ी तेज चलते थे तो इसीलिए बच्चे को दिक्कत होती थी इनके साथ कीप अप करने की तो धीरे धीरे क्या है जब वो थक जाता था रब चुपचाप से एक शॉर्टकट लेते हुए वापस घर आ जाता था और उसके बाद जब फाइनली इसके पिता भी रिटर्न कर लेते थे तब इनका क्या है इंग्लिश पढ़ने का समय था और फाइनली फिर जब दस एक दस बज जाते थे सुबह हो गई है प्रॉपर रब उस समय क्या है आईसी कोल्ड वाटर में इन्हें नहाना पड़ता था सर्वेंट्स को बोलने की कोई फ़ायदा नहीं कि उसमें कम से कम एक गर्म पानी का जग तो डाल दो बिना क्योंकि बिना उनके पिता के आ गया के ये नहीं हो सकता था सो टू गिव मी करेज माई फादर टेल ऑफ द अनबेयरेबली फ्रीजिंग बाथ तो ये टिपिकल जो पिता रहे ये क्या है क्यों डर रहे हो मैं तो इससे भी ठंडे पानी से नहाता था एटसेट्रा एट्सेट्रा दूसरा पेनेंस पेनेंस हो गया जो पश्चाताप में आप जो कुछ चीज़ें करते हैं जैसे फास्टिंग कर रहे हैं या फिर क्या है अपने आप को दुख दे रहे जबरदस्ती का एक सैक्रिफाइस कर रहे तो ये कह रहे हैं एक तो पेनेंस क्या था ठंडे पानी से नहाना वो भी क्या है डलौजी हिल्स में दूसरा क्या था दूध पीना कुछ बच्चे होते हैं उन्होंने दूध उन्हें दूध अच्छा लगता है कुछ बच्चे होते हैं उन्हें दूध पसंद नहीं है तो एक और उन बच्चों में से था जिन्हें दूध पीना पसंद नहीं है इनके पिता को बहुत अच्छा लगता था बहुत दूध पीते थे सुबह शाम इसमें लेकिन क्या है थोड़े बहुत जो मर्सी ऑफ द सर्वेंट्स जो जो नौकर थे इनके कुछ अपनी आ, क्या करते थे इनके टैगौर के ग्लास को आधा भरते थे दूध से और आधा क्या है फोम जो झाग होता है अगर आप दूध को एक दो ग्लास में इधर उधर करते रहेंगे तो झाग बन जाता है तो टैगौर को पूरे ग्लास की जगह वो आधा झाग भरा ग्लास देते थे तो इसके लिए रबिंद्राथ बहुत खुश था हालांकि हो सकता है कि आधा ग्लास दूध क्या है सर्वेंटिस लिए कर रहे थे क्योंकि वो पिए जाते थे एनी हाउ लेकिन बच्चा तो बहुत खुश था कि ज़्यादा दूध नहीं पीना पड़ रहा है क्योंकि ग्लास पूरा फुल लग रहा है लेकिन असल में आधा ही दूध है ठीक आफ्टर आर मिड डे मील लेसेंस भी गैन अगैन फिर लंच बेसिकली उसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू हो जाती है बट दिस वॉज मोर देन फ्लैश एंड ब्लड कुड स्टैंड लेकिन ये फिर कुछ ज़्यादा ही हो जाता था एक बच्चे के लिए आउट रीच माई आउट रीच मॉर्निंग स्लीप वुड हैव इट्स रिवेंज एंड आई वुड बी टॉपलिंग ओवर विद अनकंट्रोलेबल ट्राउजीनेस अब ये जो इनके जो सुबह की नींद थी जिससे बिगाड़ी गई वो अब वापस अपना बदला ले आने लेने आ जाती थी जैसी टेगोर और उनके पिता पढ़ने के लिए बैठते थे और क्या है जैसा कि आपने देखा हुआ ही होगा आपके साथ आपने भी किया मैंने भी किया है अगले पिछले साल तक आपके सीनियर्स क्लास में करते थे ड्राउजिंग यू you नो know, टॉपलिंग ओवर ऐसे बैठे हैं क्लास में थोड़ा टाइम बाद सोया थिंग्स लाइक दैट यू नो वेरी नेचुरल और तो इसमें क्या है पिताजी को थोड़ा बुरा लगता था तो बोलते ठीक है बाहर जाओ लेकिन वही बात है बचपन की जैसे ही बाहर जाने का मौका मिल गया नींद हो गई गायब और फिर टेक और वापस पहाड़ों और जंगलों में भाग जाते थे स्टाफ इन हैंड वही छड़ी ले कर फ्रॉम वन पीक टू अनदर एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पर चलते थे और इनके पिता कभी मना नहीं करते थे टू दी एंड ऑफ हिज लाइफ आई हैव ऑब्जर्व ही नेवर स्टूड इन द वे ऑफ आर इंडिपेंडेंस वो चाहते थे कि इनके उनके बच्चे स्ट्रॉन्ग आत्मनिर्भर बने इंडिपेंडेंट बने मैनी अ टाइम हैव आई सेड और डन थिंग्स रिपब्लिट द लाइक टू हज टेस्ट एंड इज जजमेंट कई बार इन्होंने ऐसे चीज़ें की है टेगोर ने या कही हैं जो कि बहुत ही शायद निंदाजनक थी या फिर बहुत ही दुखदाई थी इनके पिता के लिए लेकिन फिर भी और उस समय शायद इनके पिता उन्हें कुछ बोल देते तो रविंद्रनाथ वहीं पर रुक जाते लेकिन फिर भी वो उनके पिता का ऐसा स्टाइल नहीं था वो चुपचाप देखते थे और चाहते थे कि उनका लड़का खुद ही किसी टाइम पे समझ जाए और वो इसी चीज़ का इंतज़ार करते थे और जो इवेंचुअली होता भी था क्योंकि टैगोर के पिता का मानना था पैसिव एक्सेप्टेंस बायस ऑफ द करेक्ट एंड द प्रॉपर डे नॉट सेटिस्फाई हिम कि सिंपली पैसिव यानी एक होता है ना एक्टिव आप कुछ मान रहे हैं कर रहे हैं पैसिव हो गया हाँ चुपचाप बैठे हाँ जी ठीक है जी हाँ जैसा आपको ऑर्डर मिला है आप वैसा करते रहते हैं तो वो कहते थे इस तरह का पैसिव एक्सेप्टेंस इस तरह का जो स्वीकार कुछ अगर आप चीज़ स्वीकार रहे लेकिन पैसिवली कर रहे हैं एक्टिवली नहीं कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक टिकेगी नहीं वो चाहते थे कि सत्य का जो उनके बच्चे हैं वो सच को अपने पूरे दिल से चाहें समझें और जानें क्योंकि वो जानते थे कि उसके बिना तो ये चीज़ें खोखली है और वो चाहते थे कि और वो एक और उनका मानना था कि जो सत्य है अगर उससे आप भटक भी जाएँ वापस मिल सकता है लेकिन अगर सिंपली आपने किसी चीज़ को बाहर से ही क्योंकि किसी ने बोल दिया या आपने पढ़ लिया उस चीज़ को आपने मान लिया तो वो बेसिकली तब तो फिर क्या है सत्य के असल जो ट्रूथ है उसके आपके अंदर आने की भी चांस खत्म हो जाते हैं सो अगैन गोज बैक टू द होल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल थिंक के अनुभव से सीखिए बस किताबी ज्ञान नहीं एटसेट्रा एक्सेट्रा इन माई अर्ली यूथ हाइड कंसीव्ड अ फैंसी टू जर्नी अलॉन्ग द ग्रैंड ट्रंक रोड ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाहूरी रोड अफगानिस्तान से लेकर uh, कलकत्ता तक uh, बंगाल तक uh, तो mm, उस समय टेगोर का एक प्लान था कि वो ग्रैंड ट्रंक रोड सीधा बंगाल से लेकर पेशावर तक जाना चाहते थे इन बुलक कार्ड बैलगाड़ी में नोवनल सपोर्ट इध स्कीम ऑब्वियसली सबने वाला पागल है क्या कैलकटा इधर है अफगानिस्तान इधर है और तुम बैलगाड़ी से जाओगे यार ट्रेन वेन ले लो क्या पागल हो गया हो प्रैक्टिकल प्रपोजिशन या ऑब्वियसली इट्स नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल बट लेकिन जब टेगोर ने इनके पिता से अपने पिता से बात की उन्होंने कहा बहुत बढ़िया आइडिया स्प्लेंडेड आइडिया ट्रैवलिंग बाय रेल रोड वॉज नॉट वर्थ द नेम वो कहते हैं रेल में ट्रेन में ट्रैवल करने का क्या मजा है असली अगर कुछ सीखना है देखना है तो सही है बैलगाड़ी में जाओ धीरे धीरे विद विच ऑब्जर्वेशन ही प्रोसीड टू रिकाउंट टू मी हिज ओन एडवेंचर्स वॉन्ड्रिंग्स ऑन फुट एंड हॉर्स बैक क्योंकि अपेरेंटली जब ये भी अपनी जवानी में टेगोर के पिता भी कई ऐसे एडवेंचर्स पे जाते थे चाहे वो पैदल हो या घोड़े पे ऑफ़ एनी चांस ऑफ डिसकम्फर्ट ऑफ पेरिल ही नॉट अ वर्ड ऑफ से ही आर नॉट अ वर्ड टू से कोई कुछ जो दिक्कतें होंगी या कुछ जो पेरिल होंगे डेंजर्स होंगे उनके बारे में टेग और के पिता कुछ नहीं बोलते विच इज़ वेरी अन यूजल नॉर्मली पेरेंट्स का क्या रिएक्शन हो कल को आप मान लो बोल दीजिए कि मुझे दिल्ली जाना है और मैं क्या है साइकिल चला के जा रहा हूँ एक तो हर कोई बोलेगा पागल हो गया ये हो आप सबसे पहले तो आपके पिताजी ही बोलेंगे शायद एक थप्पड़ ही मार दे बोले क्या है पागल हो गया है क्या बट हिज फादर उनको बोलते हैं हाँ हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छा आइडिया जाओ 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 मैं भी अपनी जवानी में ऐसा ही करता था ये ना और बिल्कुल भी यानी कुछ दुख के बारे में तो बात ही नहीं हो रही खतरे की अरे मर जाएगा ये वो सब बिल्कुल बात नहीं अगेन लाइक यू नो वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एजुकेशन वेरी आइडियल आदर्शवादी टाइप का यू नो कि पढ़ाई ऐसे होनी चाहिए एजुकेशन ऐसे होनी चाहिए एज ही अलाउड मी टू वॉन्डर अबाउट द माउंटेन्स एट माई विल सो इन द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ ही लेफ्ट मी फ्री टू सेलेक्ट माई बाथ सो इन एवरी थिंग यू नो यू सी देर इज़ अ एक जो टैगोर के पिता की एक कुछ आधार है कुछ प्रिंसिपल्स है कुछ वैल्यूज़ है या फिर एक फ़िलासफ़ी है और सब कुछ उसी के अनुसार है तो जैसे वो अपने बच्चे को पहाड़ों में अकेले घूमने देते थे वैसे ही वो चाहते थे जो क्वेस्ट फॉर ट्रूथ जो जीवन का सत्य या फिर जो लाइफ दुनिया के बारे में जो ज्ञान अगर जानना है उसके लिए भी वो अपने बच्चे को फ्री छोड़ दिया था टू सेलेक्ट हिज ओन पाथ वो अपना रास्ता खुद ढूंढे ही वॉज नॉट डिटर्ड बाय द डेंजर ऑफ माई मेकिंग मिस्टेक्स ही वॉज नॉट अलाउंड बाय द प्रॉस्पेक्ट ऑफ माई इनकाउंटरिंग सॉरो इन चीज़ों की चिंता नहीं थी कि उनका लड़का कुछ गलती करेगा या फिर क्या है बहुत दुख झेलेगा नहीं वो चाहते थे उनका लड़का सीखे और एक क्या है संपूर्ण इंसान बने जो कि आप देख सकते हैं अभी आप बैठ के हम उनकी बात कर रहे हैं टेगोर की वन ऑफ़ द ग्रेटेस्ट इंडियंस एवर टू बी बॉर्न आई पर्सनली थिंक सो और ही हेल्ड अपोर स्टैंडर्ड नॉट अ डिसिप्लिनरी रॉड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इसको याद रखिएगा कि उनके पिता क्या है डिसिप्लिनरी रॉड अनुशासन करने के लिए रॉड जो छड़ी या फिर डंडा उससे नहीं करते थे एजुकेशन वो कैसे करते थे ही हेल्ड अपर स्टैंडर्ड एक एग्जाम्पल एक उदाहरण एक एक स्टैंडर्ड सेट कर देते थे अपने जीवन से कि जिस तरह से उनका ही जा अपने जीवन देखा सुबह उठते हैं अपनी प्रार्थनाएं करते हैं काम करते हैं घूमते फिरते एक्सेट्रा तो वो कभी भी क्या है मार पीट के या फिर डांट के या बार बार क्या है बोल के नहीं सिखाना चाहते थे वे चाहते थे कि जे उनका लड़का उनसे उनके उदाहरण से खुद ही जीवन और दुनिया के बारे में अपने आप को एजुकेट करे और एक अच्छा इंसान बने और ऐसे ही कई महीनों बाद फिर फाइनली इनके पिताजी ने जो इनके अटेंडेंट थे किशोरी के साथ टेगोर को वापस भेज दिया एंड दैट्स वेयर आर एस एंड्स so you see a very nice beautiful essay about a very uh, genius beautiful person that was rabindranath tagore any questions you may have you know let me know or we'll take up your next essay next time okay